नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भूचा फीचर फिल्म जीरो बजट में बनाने में मैं सफल क्यों रहा, तो इसके कई सारे रीजन्स हैं। देखिए, विल पावर तो एक अपनी जगह है। हाँ, उस दौरान आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर एक पागलपन था, एक जुनून था कि चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, चाहे बजट रहे न रहे, मुझे ये फिल्म किसी भी हालत में बनानी है, क्योंकि अगर अभी नहीं बनाऊँगा तो फिर कभी नहीं बना पाऊँगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बजट रहते हुए भी लोग फिल्म नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मैं जिस दौरान जब स्क्रिप्ट जब मैंने लिखी थी पूरी कंप्लीट, तो मेरे सर्कल में कई लोग टकराए थे जिनके पास 3 करोड़ की बजट और किसी के 2.5 करोड़ की बजट थी, किसी के 1.5 करोड़ के आसपास की बजट थी। उनका कहना था कि मेरा सब कुछ रेडी है, बस 1 महीना के लगभग बाद में मेरा शूट शुरू होने वाला है, मतलब जल्द ही हम सेट पर जाने वाले हैं। तो आप देखिए कि उनकी फिल्म बनी नहीं और उनका कुछ पता नहीं चला। तो इस तरह से कई सारे लोग थे, तो मैं बड़ा डरता था और कई लोगों को देखा था अपने सर्कल में कि बजट मिलने के बाद भी, प्रोड्यूसर मिलने के बाद भी फिल्में नहीं बना पाए, कुछ गाने गवाने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद फिल्म जो है वो बंद हो गई। तो मैं सोचता था कि जब इन लोगों के पास बजट रहते हुए नहीं बना पाया, तो मैं सोचता था कि मेरे पास तो बजट ही नहीं है, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरे तो फिल्म अटकने के हर जगह चांसेज हैं। तो विश्वास कीजिए कि मैंने अपनी तैयारी ऐसे कर रखी थी कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी फिल्म को टकने नहीं दूंगा, चाहे बजट रहे या ना रहे। तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने लिया था वो ये था कि चाहे जैसे भी इसको बनाना है, क्योंकि बनाऊंगा तभी कुछ सीखूंगा और तभी एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। चाहे अच्छा बनाऊँ बुरा बनाऊँ वो तो बात की चीज़ है, लेकिन अगर बनाऊँगा तो एक फीचर फिल्म का टैग लग जाएगा कि चलो एक फीचर फिल्म मैंने डायरेक्ट किया है। तो फीचर फिल्म ही होती है, चाहे बजट हो या ना हो, प्रोसेस तो वही रहता है, समय भी वैसा ही लगता है, उतना ही लगता है, मेहनत एनर्जी सब कुछ उतना ही लगता है। तो ये था कि कम से कम एक स्टेप ऊपर तो रहेंगे और बनाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो जब मेरी भूचा फिल्म की स्क्रिप्ट जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने काफ़ी समय लिया फिल्म के एग्जीक्यूशन में, फिल्म के शूट करने में। मुझे करीब लगता है कि 1.5-1.5 साल मुझे लगे स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद। क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया होगा आपको, कि मैं नरेशन भी देना शुरू कर दिया था, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे फिनांसर प्रोड्यूसर, चाहे टेक्नीशियन, और साथ में मैं अपनी तैयारी भी करता था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैंने स्क्रिप्ट फीचर फिल्म की एक कंप्लीट कर ली है तो मैं आर्टिस्ट लोगों को लेकर सेट पर निकल जाऊं और शूट शुरू कर दूं, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आएंगे, उस तरह का टेम्परामेंट, उस तरह की मानसिकता आपके अंदर जो डेवलप नहीं होगी कि हाँ मैं फीचर फिल्म में डायरेक्ट कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं बना सकते हैं। तो मुझे इसलिए भी वक्त लगा 1.5 साल की, मुझे अपनी तैयारी के साथ साथ मेरे पास बजट भी नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि बिना बजट का हिम्मत करना और पूरी फीचर फिल्म बना डालना, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप था। तो मुझे पूरी तैयारी करनी थी कि मैं कहीं रुकूं नहीं, अटकूं नहीं। तो उस तैयारी के दौरान मैंने कई सारे वर्ल्ड सिनेमा देखे, बच्चों की फिल्में खासकर, या फिर फैमिली फिल्म जिसमें बच्चे भी हों। तो मेरे सर्कल्स में मेरे सीनियर्स कुछ लोग हैं जो फिल्म से ही जुड़े हुए हैं, उनका अलग अलग क्षेत्र है। तो कुछ लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि ये वर्ल्ड सिनेमा देखना, ये बच्चों की बहुत ही बेहतरीन फिल्में हैं। तो इसलिए नहीं कि यही बनाना है, बस इसलिए कि देखने से एक दिमाग खुलता है, एक देखने से एक समझ में आता है कि अच्छा ऐसी ऐसी फिल्में भी दुनिया में बन रही हैं बच्चों को लेकर। तो एक कैनवस बड़ा होता है, तो एक सोचने का दायरा बढ़ जाता है कि अच्छा आप जितनी ज़्यादा फिल्में देखेंगे उतना सीखेंगे। क्योंकि जब तक नहीं आप वर्ल्ड सिनेमा देखेंगे या उस तरह से तैयारी नहीं करेंगे, तो आप जो सोच कर चल रहे हैं, आपको लगेगा कि चलो यही इसी ढरे पे मुझे बनानी है। लेकिन आप अगर देखेंगे, स्टडी करेंगे, कई सारी फिल्में आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखने से ही आदमी सीखता है, लर्न करता है। तो उस दौरान मैंने 14-15 वर्ल्ड सिनेमा के बच्चों की फिल्में देखी, और या तो वैसी फिल्में देखी जो फैमिली फिल्म हो और उसमें बच्चे लोग मुख्य केंद्र हों। तो मुझे याद आता है कि उस दौरान मैंने कई सारी ईरानियन फिल्में देखी, जैसे कलर ऑफ पैराडाइज, एक बड़ी अच्छी फिल्म थी, डायरेक्ट किया था माजिद मजिदी ने, ईरान के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं, खासकर बच्चों की फिल्में बड़ी अच्छी बनाते हैं वो। जिसमें आप देखेंगे बहुत ही मध्यम परिवार की जो फैमिली होती है, जो जीने खाने के लिए अपना कहीं कुछ काम करते हैं, जिससे उनकी सर्वाइविंग चल रही है। जिसमें मेन लीड जो एक्टर होता है, तो उसका एक बेटा होता है जो अंधा होता है, तो वो स्कूल जाता है जहाँ हॉस्टल में उसने डाल रखा था। तो गर्मी छुट्टी में पहले तो उसका मन करता है कहीं छोड़ दे, तो लेकिन टीचर बताता है कि नहीं आपको ले जाना पड़ेगा हॉस्टल से, क्योंकि सब बच्चे अपने घर चले गए हैं। तो उसको हमेशा बोझ लगता था, हालांकि अपने वो जहाँ घर था उसका, वो अपना लेकर आ जाता है। उसके पिता के अंदर कहीं ना कहीं एक
कह सकते हैं कि एक मन में वो चलता रहता था कि कुछ भी हो लेकिन है तो अंधा। तो इसमें देखें कि एक पिता की जो मानसिकता है, एक मध्यम परिवार की फैमिली के, कि मेरा अंधा बच्चा है तो उससे वह खुश नहीं रहता है। तो देखिएगा, एक बड़ी इमोशनल, बहुत ही प्यारी सी फिल्म है कलर ऑफ पैराडाइज। और उसके बाद मैंने देखी थी चिल्ड्रन ऑफ हेवन, ये भी बड़ी प्यारी सी फिल्म है। उसमें यह भी एक मध्यम परिवार की फैमिली है और इस फिल्म में भी लीड में बच्चा होता है। तो दोनों भाई बहन होते हैं, तब क्या होता है कि उनके पास जो जूता है, जो स्कूल जाने वाला, तो बनवाने के लिए वो दिया होता है कोबलर के पास, तो लेकर आता है तो गलती से सब्जी की दुकान पे छोड़ देता है, तो उसके जूते खो जाते हैं, कोई कूड़ा वाला उठा कर ले जाता है, तो बहुत ढूंढता नहीं मिलता। अब सोचता है कि घर में बताएंगे तो पिताजी पिटेंगे। तो कैसे एक ही जूता से दोनों भाई बहन मैनेज करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये भी एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है, ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा सॉन्ग ऑफ स्पैरो मैंने देखी थी, ये भी माजिद मजीदी के द्वारा डायरेक्ट की हुई फिल्म है, ये भी बड़ी प्यारी सी फिल्म है। तो ये भी एक मीडियम फैमिली की कहानी है और इसमें भी जो मेन लीड एक्टर होता है तो अपने परिवार को लालन पालन के लिए कुछ ना कुछ वो काम करता रहता है जिससे उसकी इनकम आए और परिवार का गुजारा चले, और उनके कुछ बच्चे लोग भी हैं। तो इस फिल्म में जो लीड एक्टर है तो वो शत्रुमुर् ग के बाड़े में काम करता है, तो उसमें कई सारे शत्रुमुर्ग होते हैं, तो उसकी देखभाल करना उसका काम है। तो गलती से एक शत्रुमुर्ग जो है वो भाग जाता है जंगल में, तो उसका पीछा करता है, उसको ढूंढता है, फाइनली उसको नहीं मिलता है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो फिर अपनी सर्वाइविंग के लिए दूसरी नौकरी ढूंढता है, जहाँ पे उसको एक बाइक चलाने का मिलता है, जैसे कस्टमर को किसी जगह पे जाना है तो अपनी बाइक से छोड़ देता है और कुछ उसको पैसे मिल जाते हैं, तो इस तरह का वो काम ढूंढ लेता है। तो भी एक मीडियम फैमिली की कहानी है। तो सॉन्ग ऑफ स्पैरो अगर ये फिल्म आपने देखी तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और इन सब के अलावा एक और इटालियन फिल्म मैंने देखी थी, फिल्म का नाम था द बाइसिकल थीफ। ये भी मास्टर क्लास फिल्म है और आज भी हिस्ट्री ऑफ सिनेमा में इसको मास्टरपीस कहा जाता है। और जो इसके डायरेक्टर थे विटोरियो डी सिका, वो एक्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो छोटी सी बड़ी प्यारी सी फिल्म है और इस फिल्म की कहानी थी कि एक ये भी मध्यम परिवार की कहानी है और इसमें हस्बैंड वाइफ और उसके दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा 10-12 साल का होता है और एक छोटा सा बच्चा है जो अभी 6 महीने के आसपास का हो रहा है। तो नौकरी की तलाश में रहता था, एक जगह पता चलता है कि कहीं पर नौकरी मिल रही है लेकिन उसके लिए साइकिल चाहिए। अब उसके पास साइकिल थी नहीं, तो अपने घर के कुछ ज़रूरी सामान जो है उसको सेल करता है, तो और उससे जो उसको कुछ पैसे आते हैं उससे वो एक साइकिल लेता है। तो नौकरी उसको मिल जाती है साइकिल के बेसिस पे, और काम होता है पोस्टर्स चिपकाना, जहाँ जहाँ उसकी ड्यूटी रहती है कि आप इस क्षेत्र में जाके पोस्टर चिपकाना है, इस क्षेत्र में जाके चिपकाना है। तो हर वर्कर लोगों को जैसे सीढ़ी दिया जाता है साथ में कि आप सीढ़ी पर चढ़कर जितनी ऊंचाई पर चिपकाना है वो उससे चिपका सके। तो ये साइकिल पर बैठता है, सीढ़ी कंधे पर रखता है, अपना साइकिल से जाता है जहाँ पर उसकी ड्यूटी है। तो पोस्टर जब चिपका रहा होता है तो साइकिल उसने नीचे खड़ी कर दी थी, तो देखता है जब पोस्टर चिपकाने के बाद कि उसकी साइकिल नहीं है वहाँ पे, तो उसकी साइकिल जो है चोरी हो जाती है। अब समझिए क्वेश्चन रह जाता है, वो तो एक तरह से पूरा ब्लैंक हो जाता है, सोचता है कि मतलब ये क्या हो गया, क्योंकि उसको साइकिल के बेसिस पे ही नौकरी मिली थी। अब यहाँ से फिल्म टर्न लेती है और साइकिल ढूंढने में पूरी कहानी चलती है और तरह तरह के लोग मिलेंगे, एक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो बड़ी ही प्यारी सी फिल्म है, तो द बाइसिकल थीप अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारी सी फिल्म है। तो उस दौरान ये सब फिल्में मैंने देखी और भी कई फिल्में देखी थी, और पाथेर पंचाली भी मैंने देखी, सत्यजीत रे की फिल्म थी। तो एक फैमिली ड्रामा है, हर एज के इसमें करेक्टर हैं और छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं, तो भी प्यारी सी फिल्म एक बनाई गई है। तो ये सब अपने आप में एक मास्टरपीस है जो इन्होंने बनाया था, और इस दौरान उन्होंने बनाया था जब उनके पास बजट नहीं था, कैसे कैसे अरेंज करके बनाया था। 1-2 महीना शूट चलता था, फिर फिल्में बंद हो जाती थी, फिर जब पैसा आया थोड़ा सा तो फिर शूट हुआ, फिर जब आया तब शूट हुआ। तो इस तरह से लोगों ने अपनी पहली फिल्में बनाई हैं। तो दोस्तों उस दौरान मैंने 14-15 फिल्में वर्ल्ड सिनेमा के देखी जो खासकर बच्चों पर केंद्रित थी और फैमिली ड्रामा फिल्में थी। तो उनको बार बार स्टडी किया, उनको बार बार देखा, कई बार देखा, क्योंकि एक बार में आप देखेंगे तो आप तो कहानी देख रहे होते हैं, लेकिन अगर उसकी टेक्निकली स्टडी करना है तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। मैं कभी उसका साउंड म्यूट करके भी देखता था, जैसे साउंड हटा दिया अब मैं देखता था, तो आप क्या होता है कि जब डायलॉग हटा देंगे, साउंड म्यूट कर देंगे, तो क्या बोल रहा है वो तो आपको सुनाई नहीं देगा,
लेकिन उसके अलावा बाकी जो विजुअल दिख रहे हैं तो वो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बाकी से स्टडी करने के लिए मैं कहानी समझने के बाद फिर साउंड म्यूट कर देता था, फिर उनको स्टडी करता था, फिर एक एक सीन में समझ समझ कर देखता था कि कैसे शूट किया गया है, यह सीन ऐसा क्यों है, यह अगर लिया गया तो किस तरह से लिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी जिस तरह से आप उसको टुकड़े में अगर स्टडी करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जो मैंने सिनेमा देखी भूचा फिल्म शूट करने से पहले। तो जो भी मैंने फिर ये सब देखने के बाद जो भूचा फिल्म मैंने शूट किया था, तो जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों ने इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट्स किया और आज भी उसको बड़े प्यार से जो आप लोग देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं, तो इसकी वजह यही है। इसके पीछे इतनी तैयारी थी, 1.5 साल मैंने शूट करने से पहले 1.5 साल का जो टाइम लिया उसमें सारी तैयारी की। 1.5 साल के आसपास जो मैंने बाकी सारी चीज़ें तैयारी कर ली, तो मैंने लोकेशन पे जाकर, तो लोकेशन जो जहाँ पे मेरा था तो वहाँ पे सारी चीज़ मैंने तैयारी कर ली कि कहाँ पे भूचा का घर होगा, कहाँ पे उसका आंगन होगा और बाकी मूसा भाई का कहाँ पे घर होगा और उसमें उसका किराना शॉप कहाँ पे होगा। तो जहाँ जहाँ जिस करेक्टर के थे, फिर उस गाँव में मुझे लकली नदी भी मिल गया जहाँ पे वो लोग नहाते हैं बच्चे लोग। तो एक ही गाँव में, क्योंकि गाँव की फिल्म थी तो गाँव के हिसाब से लिखी गई थी, तो लिखा भी था मैंने, तो वो सोच कर कि कोई इसमें खर्चा ना आए, सब कुछ गांव से ही मुझे अवेलेबल हो जाए, तो उस तरह से ध्यान में रख कर ही मैंने कहानी पूरी लिखी थी। तो आप देखिए कि भूचा में जो भी चीज़ मुझे चाहिए था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़, वो सब मुझे गांव से ही अवेलेबल हो गया था, कहीं से मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा। फिल्म की जो कहानी, जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, उसमें कोई खर्चा नहीं था। सब चीज़ हमें कपड़े से लेकर उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी चाहिए था, सब कुछ गाँव से ही हमें अवेलेबल हो गया। और लोकेशन पे मैं बार बार गया, क्योंकि बार बार लोकेशन पे जाएंगे ना तो बड़े अच्छे से, मतलब वो जो आपने लोकेशन जो ब्लॉक किया हुआ है, जो आपने ब्लॉकिंग कर रखी है कहाँ पे कौन सा सीन करना है आपको, तो उसको बार बार जब आप लोकेशन पे जाएंगे, स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे समझेंगे, फिर उसको फ़ोटोज़ निकालेंगे, वीडियो निकालेंगे, फिर वापस आकर उसको आप देखेंगे समझेंगे, तो फिर जब फाइनली आप शूट करने जाएंगे तो बहुत ही हेल्प मिलता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो लोकेशन पर मैंने बहुत समय दिया, 4 बार 5 बार गया, और लास्ट बार जब मैं गया शूट से पहले, तो शायद 5वीं बार जब मैं गया, तो प्रॉपर्टीज़ का जो भी रिक्वायरमेंट था सारा अरेंज किया मैंने, अरेंज करके जहाँ एक घर था उसमें सब रखवा दिया था कि एक भी चीज़ मुझे शूटिंग में इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। और जब आर्टिस्ट का जो ऑप्शन मैंने जो सब निकाला, जो भी ऑडिशन लिए उसमें से जो फिल्टर होकर आए, तो पटना से जो भी आर्टिस्ट थे, कुछ लोग बॉम्बे से आए थे, और उसके अलावा मैंने कई सारे आर्टिस्ट गाँव से लिए, क्योंकि क्या था कि बजट नहीं था, तो मैं किसी को बुला नहीं सकता था कि उसका आने जाने का खर्चा ज़्यादा मैं मैनेज कर पाऊँ। तो आपने देखा जब मेरी फिल्म में भूचा के जो दादाजी जो हैं तो गांव के थे, उसके अलावा बायस्कोप वाला जिनसे बात कर रहा है वो भी गांव के हैं, और कई सारे जो बच्चे लोग आपने देखा होगा भूचा के अलावा सब गाँव से थे। पूर्व हवलदार का जो करेक्टर है मुचकुन दुबे, तो उसके साथ जो असिस्टेंट होता है वो भी गाँव से है, तो सब कोई एक्टर नहीं थे, वो सब नॉन एक्टर थे, तो वैसे ही गाँव में मतलब वो रहते थे। तो जब उनको पता चला कि मैं फिल्म बना रहा हूँ तो बड़ी उत्सुकता के साथ आकर देखते थे। तो मैंने उन लोगों से बात किया कि भाई छोटा मोटा कुछ ऐसा सीन रहेगा, आप करेंगे आप लोग? तो बोले कि हाँ क्यों नहीं करेंगे। तो लोग बड़ा ही खुश हो गए कि चलो भाई फिल्म में काम करने को मौका मिल रहा है। और बाकी उन लोग को समझाता था कि देखिए कैसे करना है, तो क्या होता है कि आपको खुद उनको करके बताना पड़ेगा, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। तो उनके साथ एक जो नॉन एक्टर्स होते हैं जिन्होंने कैमरा कभी फेस नहीं किया है, उनको पता भी नहीं है कि फिल्म कैसे शूट होता है, तो उनके साथ एक प्लस पॉइंट होता है कि कैमरा को लेकर वो नर्वस नहीं होते, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता है। और जो आर्टिस्ट होते हैं जो थिएटर कर रहे हैं और जो ऑडिशन वगैरह देते रहते हैं, तो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कैमरे को लेकर, क्योंकि कैमरे के सामने करेंगे तो कभी कभी वो नर्वस हो जाते हैं, जबकि वो काम किए हुए हैं, थिएटर किए हुए हैं, फिर वो नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब कैमरा ऑन होने वाला है तो मुझे ऐसे परफॉर्म करना है, पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, तो थोड़ी सी नर्वसनेस वो आ जाती है, हर किसी में होता है। लेकिन इनको नर्वस से कुछ लेना देना नहीं था, तो ये बड़े मज़े में करते थे, जैसा बता दिया खाली बोल देता था उनको कि बस आपको कैमरे में नहीं देखना है। तो पहले तो उनको लगता था कैमरे में नहीं देखूंगा तो मैं नहीं आऊँगा, तो मैंने नहीं ऐसा नहीं है, आप कैमरे में आइएगा, बस आपको नहीं देखना है, बाकी आप कैमरे में आप दिखिएगा, आप जो कीजिएगा वो सब कैमरा में आपको कैप्चर हो जाएगा, सब आपको दिखाई देगा। तो शूट करने के बाद उनको दिखाता था कि देखिए, तो हाँ अच्छा है, तो उनको लगता था कि नहीं देखूंगा तो इसका मतलब कि मैं उसमें आऊँगा ही नहीं। तो बड़े अच्छे से सब ने परफॉर्म किया, सबको कराया, जैसे भूचा का दादाजी आपने देखा होगा, उनको भी बैठकर भूचा के साथ बिठाकर और खुद डायलॉग बोला, उनको बताया कि ऐसे आपको बोलना है, तो अपना गांव के लैंग्वेज में बोलिए।
और इस स्क्रिप्ट को लेकर प्लस पॉइंट ये भी था कि विलेज की फिल्म थी, गांव की फिल्म थी, वो भी बिहार के ऊपर स्टोरी थी, तो हाँ मिली जुली भाषा लोग बोलते हैं, हिंदी और गांव का जो लैंग्वेज है अगर मगही है तो वो मिक्स करके लोग बोलते हैं, और नहीं तो कोई पूरा मगही ही बोल रहे हैं और हिंदी तो कोई हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वो मगही का टच एक आता ही है, तो नेचुरल ही सब कुछ हो गया। मतलब आर्टिस्ट को कोई लैंग्वेज पर उतनी मेहनत नहीं करानी पड़ी, हमने कहा जो आपकी लैंग्वेज है उसी में आप बात कीजिए। तो आजकल तो गांव में भी आप जाएंगे तो हिंदी में तो लोग बोलते ही हैं, लेकिन वो एक टोन आता है जो देहात का होता है। तो आर्टिस्ट को लेकर ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैंने आर्टिस्ट के कई सारे ऑप्शंस रखे थे, तो जो आर्टिस्ट मैंने पटना से फाइनल किया था, जो थिएटर करते थे 15 साल 16 साल 17 साल से जो थिएटर कर रहे थे, उसके अलावा बॉम्बे से कुछ लोग आए थे, तो जो मेरे प्राइमरी आर्टिस्ट थे, तो ये भी दिमाग में था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बजट नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है, और कुछ आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ भी कि वो एक्चुअल डेट पे नहीं आए, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो होता ना कि शुरू में बोल देते हैं फिर लगता है अरे फंस गए, बजट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या जाके वहाँ करें, तो ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने तैयारी इतनी कर रखी थी कि मैंने सबके ऑप्शंस बना रखे थे कि अगर वो बंदा नहीं आया तो उसकी जगह पर इसको कराऊंगा, ये नहीं आया तो ये कराऊंगा, इसको नहीं आया तो इसको कराऊंगा, तो सबके दो दो तीन तीन ऑप्शंस मैंने रखे थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप किसी से बात किया है आपने, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे आर्टिस्ट हो, तो आप उन्हीं पर डिपेंड मत रहिए, एक पर डिपेंड मत रहिए। मान लीजिए किसी DOP से आपने बात किया है, साउंड वाले से बात किया है, तो बोलेगा हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, पर चला उस डेट को नहीं आ पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वजह से नहीं आ पाए या फिर कोई बीमार पड़ गए, और ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि अगर बजट नहीं हो तो मतलब काम करना नहीं चाहते हैं, वो पहले मुँह पर बोल देते हैं सोचते बजट है इनका क्या, इनका तो बनेगा ही नहीं फिल्म, जब उनको पता चलता है अरे एक्चुअल में लोग तो मतलब इनकी फिल्म अब शूट होने जा रही है, तो फिर वो फंस जाते हैं कि अरे हमने तो बोल लिया था, सोचा था कि इनकी फिल्म तो बनेगी नहीं, बजट तो कुछ है नहीं, तो वही करते हैं कि फ़ोन उठाते नहीं हैं। तीन सबसे बचने के लिए मैंने सबके ऑप्शंस निकाल रखे थे, क्योंकि देखिए बजट नहीं था, बजट नहीं रहने पे आपको बहुत ही सावधानी से चलना पड़ता है। अगर मैंने सबके ऑप्शंस नहीं निकाले रहते तो मैं भी अटक जाता, फंस जाता। तो कई सारे आर्टिस्ट जो है नहीं आए थे, और कई सारे आर्टिस्ट मैंने गाँव से लिए, तो इसलिए मैंने गाँव में ऑप्शन रखा था कि अगर वो नहीं आया तो इससे गांव में करा लूँगा, ये नहीं आया तो उससे गांव में करा लूँगा। अब इसे एक टेलर का जो करेक्टर था मंजूर चाचा का, वो भी मैंने गांव से ही लिया था, एक लड़का जो है स्टडी करता था वहाँ, तैयारी करता था UPSC का, तो उसको मैंने लिया। तो कई सारे करेक्टर जो हैं मैंने गांव से उठाए, मुखिया जी का करेक्टर आपने फिल्म देखी होगी, जो मुखिया जी का करेक्टर है वो सब गाँव के ही है, तो उन सब लोगों से मैंने कराया। तो इसलिए कि मैंने उस तरह से तैयारी कर रखा था, उस तरह से ऑप्शन बना रखा था, तो ये सब टेक्निक मैंने अपनाया। तो ये भी एक टेक्निक होता है। और बजट ना हो तो एक टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पहले के वीडियोज़ में भी आपको बताया होगा कि जो आर्टिस्ट आपने फाइनल किया है, जो सेट पे जाने वाले हैं शूट के लिए, तो उनको आप जम कर रिहर्सल कराइए। तो आप अपनी स्क्रिप्ट जो है, एक एक सीन का जो होता है, जिनका जिनका जो करेक्टर है, उनसे परफॉर्म करवाइए वहाँ पर, कम से कम एक हफ्ता 10 दिन ज़रूर लीजिए। और मैंने भी एक हफ्ता 10 दिन सबको रिहर्सल कराया, प्रैक्टिस कराया। बहुत गलतियाँ होती हैं, क्योंकि देखिए बजट नहीं है तो आप सेट पर जाकर आप वहाँ पर सफ़र नहीं कर सकते, सेट पर जाएंगे तो बड़ी मुश्किल आएगी, आपका एक महीने का काम 2 महीना 3 महीना तक खींच सकता है। तो अगर तैयारी नहीं रहेगी तो उसमें भी एक्टर्स, आप अगर सही तरीके से आप शेड्यूल बनाकर सही टाइम पर फ्री नहीं करेंगे तो वो भी आनाकानी करेंगे, हो सकता है कि शूट ना करें भाग भी जाए वहाँ से। तो सबको लेकर चलना बिना बजट में बहुत ही टफ काम होता है। तो जितना काम यहाँ करा लें आप उतना अच्छा रहता है। तो मैंने सबको रिहर्सल कराया, बहुत सारी गलतियाँ हुई, लोग अपने फ्लो में नहीं आ पा रहे थे, उनको रिदम नहीं उनको मिल रहा था, अपना करेक्टर नहीं पकड़ में आ रहा था। तो एक हफ्ता 10 दिन होते होते सब अपने करेक्टर को लेकर बड़े अच्छे से वो समझ गए कि मुझे क्या परफॉर्म करना है, बॉडी लैंग्वेज उनकी चेंज हो गई, और बिल्कुल लगता था कि हाँ यही करेक्टर वाला ये आदमी है। तो बड़ा अच्छा से मतलब एक लय में आ गए वो लोग, सब एक रिदम में आ गए। फिर जब हम सेट पर गए थे तो गलती ना के बराबर हुई थी, सबको पता था कि मुझे क्या काम करना है, मेरा क्या करेक्टर है, और एक तरह से वो लोग सब लय में भी आ गए थे। तो बड़े अच्छे से फ्लो में आकर काम किया। जैसे मूसा भाई का करेक्टर आप देखिएगा, एकदम बॉडी लैंग्वेज उसकी चेंज हो गया, आप रियल लाइफ में देखेंगे तो कुछ अलग ही उसकी बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका। लेकिन जब वो गांव में गया और अपना करेक्टर प्ले किया मूसा भाई का, तो बिल्कुल डिफरेंट था, आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि ये वही बंदा है। तो देखिए कितना फ़ायदा होता है। तो जब बजट नहीं हो तो ये सब आपको टेक्निक अपना कर आपको अपने जो है बहुत ही मजबूती से आपको चलना पड़ता है। क्योंकि जितना काम पहले कर लेंगे सेट पर जाने से तो उतना आसान रहेगा, सेट पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कैमरे को लेकर भी मेरी अपनी तैयारी थी, क्योंकि उससे पहले मैं 2-3 शॉर्ट फिल्में बना चुका था, इसमें
एक शॉर्ट फिल्म तो मैंने एक कैमरामैन को हायर किया था, लेकिन जो गैप गया, जितना टाइम गया, तब से मैं कैमरा सीखता रहता था। जैसे जिनके पास कैमरा था, तो एक तो जो वेडिंग का काम चलता था, एक सीनियर मित्र रहे हैं, तो उनके यहाँ जाकर मैं कैमरा सीखता था। जब भी उनको वक्त मिलता था तो मैं बोलता था कि आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, जब भी आप बुला लीजिए, रात हो, दिन हो, सुबह हो, मैं किसी भी टाइम आ जाऊँगा। तो मैं उनके पास जाकर वो टेक्निकली जो चीज़ें होती हैं कैमरा का, जो मैथमेटिक्स, वो सब सीखता था कि किस तरह से कैमरा जो है ऑपरेट करते हैं, कैसे डे के लिए कैमरा सेट करते हैं। क्योंकि अब दिन में भी कई तरह की आप देखेंगे कि लाइटिंग चेंज होती है, सुबह का अलग रहेगा, दोपहर का अलग रहेगा, रात का अलग रहेगा। तो ये सब चीज़ें उनसे सीखता था, और सीखने के बाद फिर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कोशिश करता था। तो बाद में जो दो शॉर्ट फिल्में बनी, तो मैंने खुद कैमरा जो है वो हैंडल किया, क्योंकि मुझे था कि अगर खुद नहीं सीखूंगा तो कोई सिखाने वाला है नहीं। और ये सब मेरी तैयारी थी फीचर फिल्म को शूट करने से पहले की, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फीचर फिल्म शूट करना है। मान लीजिए मेरे पास बजट तो है ही नहीं, अगर DOP ने मना कर दिया, नहीं आया, तो मैं तो फंस जाऊँगा, क्योंकि मैं अगर कैमरा चलाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं तो दूसरे पर डिपेंड रहूँगा, तो कैसे करूँगा। और देखिए हुआ भी वही, और मतलब जिन लोगों से बात किया था, तो दो लोगों से बात किया था, बोले थे हाँ शूट होगा तो बिल्कुल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस रहने खाने की व्यवस्था कर देना। हमने बोला उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, आपका आने जाने का व्यवस्था हो जाएगा, और जहाँ हम लोग रहेंगे तो वहाँ पर रहने खाने का बढ़िया इंतज़ाम रहेगा, खाने का अच्छा इंतज़ाम रहेगा, तीनों टाइम आपको बढ़िया खाना मिलेगा, सब लोगों को जो भी टीम में जुड़े हैं। तो हमने खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया था, ये था कि चलो बजट नहीं है फिल्म जो शूट कर रहे हैं, लेकिन खाना तो कम से कम अच्छा मिलना चाहिए। तो हमने सुबह में पराठा, भुजिया, दही इस तरह का रखते थे, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, फिर दोपहर में चावल, दाल, सब्जी, ये सब जो बनता था वो, शाम में फिर चाय, समोसे, ये सब होता था, फिर रात में मतलब रोटी, दाल, सब्जी, और नॉनवेज का भी था। तो सप्ताह में दो दिन हमने नॉनवेज का रखा था, कभी अंडा बनता था, कभी चिकन बनता था, तो खाने का एक अच्छा व्यवस्था था तीन टाइम का। तो इस तरह से DOP लोगों को हमने बात किया था, लेकिन एंड टाइम पे वो मुकर गए। तो फिर अर्जेंट में मैंने अपने सर्कल में किसी से पूछा, तो बताया कि एक बंदा है जो एक फिल्म किया हुआ है, तो उसको कैमरे की अच्छी जानकारी है, तो उसको ले जा, तेरी हेल्प करेगा। तो मैंने चला चलो अच्छी बात है, अगर कुछ हेल्प मिल जाए। तो मैंने उनको बोला था, देखिए मैंने इतनी तैयारी कर रखी है कि मैंने, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी है, तो मुझे पता है कि फ्रेमिंग मुझे कैसे करनी है, और मैं शॉर्ट फिल्में भी बना चुका हूँ, तो मुझे एक अंदाज़ा तो था ही कि कैसे कैसे मुझे फिल्म की फ्रेमिंग करनी है, किस तरह से शूट करना है। बस कैमरा का जो एक होता है कि जो मैथमेटिक्स जो कहते हैं कि हाँ, इसका फोकस जो सेट करना होता है, इसका शटर स्पीड क्या रहेगा, तो ये सब चीज़ जो है टेक्निकली, तो दिन के हिसाब से, रात के हिसाब से, तो आप खाली सेट कर दीजिएगा तरीके से, और कितने डिस्टेंस में मैं करना चाहता हूँ, कितना क्लोज रहेगा, कि एक्सट्रीम क्लोज रहेगा, कि लॉन्ग शॉट रहेगा, क्या रहेगा, तो वो सब आप मैं बता दूँगा, बस आप सिर्फ सेट कर दीजिए कैमरा को, बाकी काम मैं कर लूँगा। तो इस तरह से शुरू में मुझे जब शूट कर रहा था तो मुझे उनसे काफ़ी हेल्प मिला। तो किसी वजह से उनको जाना पड़ गया, उनका अर्जेंसी था, लेकिन जो शायद एक हफ्ते तक वो रहे थे, तो एक हफ्ते में काफ़ी कुछ मैं उनसे सीख लिया। तो फिर अब क्या हुआ कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, और क्योंकि सारा चीज़ मेरे कंधे पे ही था, पूरी टीम को लेकर चलना है, और जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी सीन्स है, वो भी सबको आर्टिस्ट के हिसाब से सबका वो शूट करके सबको फ्री करते जाना है, और कैमरा खुद हैंडल करना है। तो फिर मैंने पूरी तरह से कैमरा की जिम्मेदारी खुद ले ली। फिर क्या हुआ कि और भी कुछ लोगों ने बोला, जो आर्टिस्ट लोग थे, कि अच्छा मेरा सर्कल में है, एक दो लोगों को मैं बोलता हूँ, तो कोई आया नहीं। जब पता चला कि बजट नहीं है, तो कोई आने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर एक दो दिन का जो भी बीच में ब्रेक हुआ था, तो मैंने बोला कि तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और बाकी तैयारी मैं भी कर लेता हूँ। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि अब कोई हेल्प करने वाला तो अब आएगा नहीं, क्योंकि बजट नहीं है। तो मैंने अपने आप को फिर मेंटली प्रिपेयर किया कि चलो, जो कुछ भी लर्न किया है, सीखा है, जो भी थ्योरेटिकली जो सीखा है, और प्रैक्टिकली जो मैंने जो लर्न किया है कैमरे को लेकर, तो अब पूरी तरह से मैं हैंडल करूँगा। तो उसके पहले कैमरे को लेकर थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिकली सारा काम किया। तो एक था कॉन्फिडेंस कि चलो, शॉर्ट फिल्म खुद मैंने कैमरा संभाला था, तो चलो इसको भी निकाल ले जाऊँगा। तो हालांकि रोज़ फटती थी, जब शूट होता था तो रोज़ अलग अलग सीन्स जो होते थे। तो फीचर फिल्म का क्या होता है कि शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बड़ा ही मतलब बड़ा ही लोड रहता था दिमाग पे, किस सीन को कैसे निकालना है, तो थोड़ा सा टाइम लगता था। तो उसको सोच के, समझ के, फिर कैमरे का एंगल सेट करके, फिर आर्टिस्ट को बताता था कि आपको यहाँ खड़ा होना है, ऐसे बोलना है, बोल किधर आ जाना है, ऐसे करना। तो फिर उस तरह से शॉट जो है
को निकालता था मैं। तो शुरुआत के 3 दिन 4 दिन तो मैं एक दिन में एक ही शॉट ले पा रहा था, फिर धीरे धीरे करते करते मैं भी लय में आ गया, फिर हाथ पूरी तरह से खुल गया। तो फिर मैं एक दिन में 2-2 शॉट 3-3 शॉट निकालने लगा। तो बुचा फिल्म जब आप देखेंगे तो उसकी जो कैमरा से जो भी शूट किया गया है, जो फोटोग्राफी हुई है, सारा मैंने शूट किया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी मैंने तैयारियाँ की थी। अब देखिए कि मैं कहाँ कहाँ मैं अटक रहा था। आर्टिस्ट जो है वो कुछ आर्टिस्ट नहीं आया तो उसके ऑप्शंस मैंने बना रखे थे। तो आर्टिस्ट से मैंने परफॉर्म करवाया गांव के आर्टिस्ट से, और टेक्नीशियन नहीं आए तो मैंने इतनी तैयारी थोड़ी बहुत कर रखी थी कैमरों को लेकर कि इन्हें कैसे, अगर नहीं आए तो मैं खुद कैमरा हैंडल करूँगा उस केस में। और देखिए वैसा ही हुआ, क्योंकि बजट नहीं रहने से बड़ी दिक्कत आती है। मतलब आप समझिए कि जो आपने टीम बनाया है तो कई सारे लोग भाग जाएंगे जब आप सेट पर जाएंगे, लेकिन वही लोग रहेंगे जो बहुत ही पैशनेट हैं, जो सिनेमा को समझते हैं, जो जुनूनी है कि नहीं मुझे अच्छा काम करना है और मेरे लिए मौका है। और तो इस तरह से जो हम लोग बचे तो वो हम लोग मिलके बहुत अच्छे से काम किया। और जब शुरू में हम लोग गए तो 29-30 लोगों की टीम थी, एक महीने का शेड्यूल था हमारा, लोग खूब इंजॉय करते थे, एक फैमिली जैसा बन गया। फिर धीरे धीरे करके सबको हम फ्री करते जाते थे, जिनका 1 दिन 2 दिन का रहता था। अब इतना लगाव सबसे हो गया, लोगों का हमारे से भी हो गया। देखिए क्या होता है, जो सिंसियर हैं, जो ऑनेस्ट हैं, तो एक दूसरे का वाइब्रेशन समझते हैं। तो फिर वो लोग कुछ दिन के लिए रुक गए, 3-4 दिन के लिए, कि नहीं मैं रुक जाता हूँ, आपकी जो भी हो सकता है हेल्प कर दूँगा। तो कोई कैमरा संभाल लेते थे, कोई साउंड का काम संभाल लेते थे। तो इस तरह से मतलब असिस्टेंट के तौर पर कुछ लोग मेरी हेल्प करते थे, तो मुझे बहुत हेल्प मिलता था। क्योंकि मुझे तो खाने तक का होश नहीं रहता था, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता था, सीन में ही लगा रहता था। तो कभी दोपहर में कट जो है वो शाम में खा रहा हूँ, तो इस तरह से बड़ी मतलब वो खाने पीने का बहुत ही गड़बड़ हो गया था। इस चलते मैं बीमार भी पड़ा था, 1 महीने के लिए मुझे जॉन्डिस हो गया था शूट खत्म होने के बाद। तो कहने का मतलब ये कि आप देखिए कि आपकी अपनी तैयारी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, और अपनी तैयारी जितना आप करके रखेंगे और सभी का ऑप्शन बना कर चलिए कि अगर ये आदमी अगर नहीं आया या तो उसका ऑप्शन होना चाहिए। तो सभी का ऑप्शन बना के रखिए कि अगर ये नहीं आया तो इसका ऑप्शन, ये नहीं आया तो इसका ऑप्शन, ये नहीं आया तो इसका ऑप्शन। तो मैंने उस तरह से सारी तैयारी कर रखी थी, जिसके चलते मेरी फर्स्ट फेज में पूरी शूट जो है वो कम्प्लीट हुई। क्योंकि क्या था, मेरा दिमाग में था कि पहला फेज़ मैं लेकर चल रहा था, पोस्ट का काम कैसे होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता था उस दौरान। मुझे था कि पहला फेज़ में मुझे शूट निकालना है, कम से कम शूट निकल जाएगा तो मेरे हाथ में एक शूटिंग फुटेज तो आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे आराम से कम एक जंग तो मैंने जीत ली। तो क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत का शूट करना बिना बजट में, आप सोचिए कि बहुत ही टफ काम था। मतलब कोई टिकेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, कोई आपके साथ टिकेगा नहीं, टीम बनाकर जाएंगे, पता चला कि आपने 20 लोगों की टीम बनाई, पता चला कि 2-3 लोग बचे। तो इस तरह से मैंने तैयारी कर रखी थी, और आर्टिस्ट लोगों ने बहुत साथ दिया, जो प्राइमरी आर्टिस्ट थे, लीड एक्टर थे, उन्होंने बहुत साथ दिया। तो कहते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक टीम वर्क होता है। तो उसमें आप जो लीड थे, शबाना आफरीन थी जो काकी का रोल की थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। फिर इसमें अभय थे, अभय राज, तो जिन्होंने काकी के हस्बैंड का रोल किया था, बूचा के काका का। फिर मूसा भाई यशवंत ये, फिर कुणाल जो बायस्कोप वाला थे, फिर पूर्व हवलदार जो बना था, जो बॉम्बे में वो काम करते हैं। और आप देखिए कि इस 0 बजट में बनी फिल्म, और इस फिल्म में जो मेन लीड एक्टर था, जो 6 साल का बच्चा था बूचा, उसका नाम हर्षराज लक्की है, तो वो हमारी फिल्म से उसको बहुत फ़ायदा मिला। क्योंकि आप कहीं भी अगर जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अगर संघर्ष करते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि हमें मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस का कोई काम नहीं था, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, पूछता है कि इससे पहले आपने क्या किया है। तो उसने मेरी फिल्म दिखाई जब बन गई थी, और उसका अब क्या हुआ कि 1 महीने लीड में अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत ही निखर जाएंगे, आप शार्प हो जाएंगे। क्योंकि जो लीड एक्टर होता है उसको कई तरह के इमोशन जो है वो प्ले करने पड़ते हैं, तो बहुत ही रगड़ कर उसको काम कराया, सब ने रगड़ कर काम किया, तो पूरा सीख गया वो। तो जी चैनल पे शायद उसका एक शो आता था, नन्हे कलाकार या सबसे बड़ा कलाकार, ऐसा कुछ आता था, इसमें वो सेकंड रनर अप रहा था। और फिर हमारी फिल्म से उसको कपिल शर्मा शो में भी जाने का चांस मिला। तो देखिए इस फिल्म से हर किसी को फ़ायदा मिला, और जो थिएटर के जो सीनियर आर्टिस्ट थे तो उनका भी कहना था कि मैंने आज तक इतना टफ काम नहीं किया, क्योंकि रियलिस्टिक फिल्में बनानी बड़ी टफ होती हैं। और उनको भी था कि मैंने छोटे मोटे करेक्टर तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन इतना बड़ा रोल मतलब मुझे करने का कहीं मौका नहीं मिला है, और मैं मंच गया इस तरह का रोल करके। तो एक अच्छी टीम बनी, लोगों को सीखने को मिला, उनका भी एक अच्छा प्रोफाइल बना, मेरा भी बना। और इस फिल्म से मुझे 14-15 अवार्ड्स भी मिले, वो मतलब भारत में भी मिले और भारत के बाहर भी मिले,
विदेशों में भी मिले, अमेरिका में मिले, इंग्लैंड में मिले, तो बड़ा ही अच्छा लगा। मतलब देखिए कि बिना बजट की फिल्म, और हमने कई सारे जहाँ जहाँ हमें अवार्ड मिले तो कई सारे ऐसे ऐसे लोगों का हमने कम्पीट किया जहाँ पे किन्हीं के बजट 4-4 करोड़ की थी, 3-3 करोड़ की थी। तो मतलब तो ये सब चीज़ संभव हो पाया, एक कह सकते हैं विल पावर प्लस अपनी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कह सकते हैं, एकदम ठोस ज़मीन पर तैयारी और हर स्तर की तैयारी। क्योंकि मैंने ये समझ लिया था कि क्या क्या एलिमेंट्स जो होते हैं जो फीचर फिल्म बनाने के लिए चाहिए, अगर नहीं है तो मैं कैसे उस चीज़ को डेवलप करूं या फिर रेडी रखूं। तो उस तरह से मैंने हर सेक्टर पे काम किया, हर एलिमेंट्स पे काम किया, क्योंकि आप कहीं भी फंस सकते हैं, कहीं भी अटक सकते हैं। तो फिर जब मैंने शूट निकाल लिया तो फिर था कि चलो पोस्ट का काम कराना है, तो फिर पोस्ट का अपने सर्कल में फिर कई सारे ऐसे लोग थे, या भड़बड़ाना था नहीं कि चलो जो भी समय लगेगा आराम से करेंगे कराएंगे। तो इसमें साउंड का काम प्रोफेशनली नहीं हो पाया था, एडिटिंग का काम भी प्रोफेशनली नहीं हो पाया था। तो थोड़ा बहुत मैंने भी लोगों को जो देखा था एडिट वेडिट करते, तो एक बेसिक मैंने सीख लिया था कि कैसे टाइम लाइन पर लगाते हैं और कैसे एक उसको एक रफ कट एडिट करते हैं। तो वो सब मैं करके सब रेडी कर दिया था, ताकि किसी को अगर बोलूँ तो उसको आधा से ज़्यादा काम किया हुआ मिले, सिर्फ उसको सजाना रहेगा, बस कलर करेक्शन ये सब मुझे उतना डिटेल में नहीं आता था। तो इस तरह से बात करके फिर किसी ने सजेस्ट किया, तो मेरे फिल्म में म्यूजिक वाले थे जिन्होंने म्यूजिक दिया था, तो प्रोफेशनली काम कर रहे थे, लेकिन मेरी इस फिल्म में उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए थे, और 6-7 साल से मुझे जानते थे, उनको सब्जेक्ट बहुत पसंद आया था, तो बोले कि फिल्म अच्छा है, चलिए हम लोग मिलकर बनाते हैं। तो और एक दिल को अच्छा लगेगा कि चलो एक अच्छी फिल्म हमने बनाई, और एक प्लेटफॉर्म बनेगा तो सब काम करेंगे ही, एक दूसरे को हेल्प करने से लोग आगे बढ़ते हैं। तुमको सिनेमा की समझ थी तो मेरे साथ जुड़े, जबकि वो मेरे साथ नहीं भी जुड़ सकते थे क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर टीम में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि एक नया बंदा है, वो एडिटर है, तो वो भी एक अच्छा काम ढूंढ रहा है। तो इस तरह से मतलब उसको भी चाहिए था कि कुछ ऐसा एक फिल्म मिले जिससे वो हाथ साफ कर सके, उसको भी कुछ सीखने को मिले, एक इंडिपेंडेंट उसका प्रोफाइल बने। तो इस तरह से कर करके धीरे धीरे मैंने एक टीम को पूरा या पोस्ट के लिए, तो कुछ उसने हेल्प कर दिया, कुछ किसी ने हेल्प कर दिया, कुछ किसी ने कर दिया। तो इस तरह से करके पूरी फिल्म जो है मैंने जो है वो कंप्लीट की। तो दोस्तों बूचा फीचर फिल्म बनाने के लिए आपने देखा कि मैंने किस किस टेक्निक से बनाई, क्या क्या टेक्निक लगाया, कितना एकदम हार्ड वर्क करना पड़ा इसके पीछे, और हर एक एक एलिमेंट पर बहुत मेहनत करना पड़ा। तो दोस्तों ये सब टेक्निक लगाकर मैं अपनी पहली फीचर फिल्म बूचा जो है 0 बजट में बनाने में सफल रहा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।